بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. आज के क्लास में चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिसिटी ऑफ रबर। इसका फर्स्ट टॉपिक है थर्ड चैप्टर का मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो एक साइंटिस्ट था उसका नाम मोइजले है, और इसने ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल पेश किया है। ये इंग्लिश फिजिकिस्ट है, ये साइंटिस्ट इंग्लिश फिजिकिस्ट है, फिजिक्स वाले हैं। और ये जो पीरियडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल मोइजले ने पेश किया है। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर है। और इस पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, और पीरियड्स है। पीरियड किसको कहते हैं? पीरियडिक टेबल इसमें 7 पीरियड्स है, और पीरियड का डिफिनेशन क्या है? द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में हॉरिजॉन्टली रो को पीरियड कहा जाता है। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, और फर्स्ट नंबर पीरियड में 2 एलिमेंट मौजूद है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 एलिमेंट फर्स्ट नंबर पीरियड में मौजूद है, और फर्स्ट नंबर पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल भी कहा जाता है, बिकॉज इट कंटेन जस्ट 2 एलिमेंट। सेकंड नंबर पीरियड में 8 एलिमेंट्स आते हैं। सेकंड नंबर पीरियड में 8 एलिमेंट आते हैं, और थर्ड नंबर पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स आते हैं। और याद रखिए, फर्स्ट नंबर पीरियड में जितने एलिमेंट हैं 2 एलिमेंट हैं, इसमें एक शेल मौजूद है। एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है, तो याद रखे इस एलिमेंट में एक शेल मौजूद है, और जब एलिमेंट सेकंड पीरियड में है तो इस पीरियड का जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट में 2 शेल मौजूद है। और तीसरा नंबर पीरियड, इसमें 3 शेल मौजूद है, और चौथा नंबर पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 4 नंबर पीरियड और 5 नंबर पीरियड, इट्स कंटेन 18 एलिमेंट्स।
फोर और फाइव नंबर पीरियड में 18 एलिमेंट्स मौजूद है और फोर नंबर एलिमेंट में फोर शेल मौजूद है। एक एलिमेंट में हर एक में फोर फोर शेल मौजूद है और फाइव नंबर में फाइव शेल मौजूद है। ऐसे हर एक एलिमेंट में फाइव फाइव शेल मौजूद है। सिक्स नंबर पीरियड और सेवन नंबर पीरियड में कितने कितने एलिमेंट मौजूद है। सिक्स नंबर पीरियड में 32 एलिमेंट मौजूद है और सिक्स नंबर पीरियड में हर एक एलिमेंट में सिक्स शेल मौजूद है। हर एक एलिमेंट में और सेवन नंबर पीरियड इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। ये इनकम्प्लीट है, इसमें सेवन शेल मौजूद है। हर एक एलिमेंट के अंदर सेवन शेल मौजूद है और ये भी याद रखे पीरियडिक टेबल में 118 टोटल 118 एलिमेंट है। 92 एलिमेंट इस 118 में से 92 एलिमेंट ये नेचुरली मौजूद है। 92 एलिमेंट ये नेचुरली मौजूद है और बाकी 26 एलिमेंट ये साइंटिस्टों ने बनाया है। ये है पीरियडिक टेबल और इसमें सेवन पीरियड्स मौजूद है और सेवन पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट मौजूद है और इसके अंदर कितने शेल भी है। ये है पीरियड्स। इसके बाद पीरियडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं। ग्रुप का डेफिनेशन क्या है। द वर्टिकल कॉलम, द वर्टिकल कॉलम of elements in the periodic table is called groups. There are 8 group in periodic table. Periodic table में 8 ग्रुप मौजूद है। जब हम टॉप से बॉटम तक आते हैं तो शेल भी ज्यादा हो जाता है और एटॉमिक नंबर भी ज्यादा हो जाता है और एटम का जो साइज है भी ज्यादा हो जाता है। और जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट तक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है लेकिन एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है लेकिन एटम का जो साइज है वो ग्रेजुअली स्लोली स्मॉल हो जाता है। जहन में ये बात याद रखिए। जब हम लेफ्ट से राइट तक पीरियडिक टेबल में जाते हैं तो इसलिए एटम का साइज स्मॉल हो जाता है बिकॉज द न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है ऐसे
जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है और सेम शिल है, सेम शिल है, शिल इंक्रीज नहीं हो जाए, तो इसका जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन है ये ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से एटम का जो साइज है वो ग्रेजुअली स्लोली स्मॉल हो जाता है। और जब टॉप से बॉटम तक हम जाते हैं तो इसलिए एटम का साइज लार्ज हो जाता है, बिकॉज द न्यू शिल इज एडेड। ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड इसको एस ब्लॉक कहा जाता है और इसको पी ब्लॉक कहा जाता है। इस एस और पी ब्लॉक ये दोनों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, और इसको डी ब्लॉक कहा जाता है और इसको एफ ब्लॉक कहा जाता है। इस दोनों को डी और एफ ये दोनों को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। यह है पीरियडिक टेबल पीरियड्स ग्रुप।